पे हमें लग रही थी ठंड, मम्मी को बोला कि बुखारी जला ले यार, तो आग जला रही मम्मी, मम्मी शर्मा भी रहे। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अभी मम्मा से मिलेंगे अंदर। सो रजत भाई, दिस इज मेरा हाउस, मैं इस गांव का जाकर सीख रहे, दिस इज माय किंगडम। मम्मी क्या खिला रहे हो मेरे दोस्तों को आज? रोटी है, क्या खिला रहे हो? खाना खिला रहे हैं। खाना तो ठीक है, पर क्या खिला रहे हो? राजमा चावल, घर के सरसों का साग। क्या ठीक ठाक? ठीक मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। हाय ब्रो, बस बस अच्छा मैं कर रहे बस। ऐसे जम्मू में रहता है, तीन तीन दिन मुंह नहीं धोते, पानी दे के पागल भोंतरी आते हैं, पागल हो जाते हैं। जानवी बर्फ, जानवी बर्फ टूट भी नहीं, मारना मत, ओ ठंड है, मारना मत, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सवेरे खेलेंगे, नहीं कर। सो ये है मेरा गांव बिल्कुल टॉप पे, त्रोन भद्रवा। तो ये मेरे घर के अपने खेतों के देसी राजमा है, और ये घर के अपने खेतों के सरसों का साग है, घर का कड़म का अचार है, और ये कुंडिया, ये जंगल में पाई जाती है, मतलब स्पेशल सब्जी है भद्रवा की। अच्छा। ये भी खाओ, और ये अपनी अनारदाने की चटनी है। तो सौरभ ये यहाँ पे आके ना मॉर्निंग अपनी करते थे, गुड मॉर्निंग मुंबई, नहीं ज्यादा लटकना मत। और गुड मॉर्निंग, ये सौरभ भैया का खेत, यहाँ पे दादू के साथ सौरभ भैया ने पेड़ वगैरह लगाए थे। अगर किसी ने हेलो नमस्ते, क्या चाल, ठीक हो? शुरुआत हो रही है रजत भाई के घर के बाहर गार्डन से, और सुबह के बजे 8:30, और हम सब मिले हैं फिलहाल रजत भाई के घर के बाहर, क्योंकि आज हमारी ट्रिप है टू भद्रवा, मजे आने वाले बहुत ज्यादा। चलो आपको सबसे मिलवाता हूँ बाहर गाड़ी में बैठे हुए, एंड ये पानी फेंक रहे सवेरे सवेरे, क्या यार गाड़ी को पानी फेंक रहे, वो बात भी है। मेरे को सुबह सुबह लग गया जुकाम। हाँ वेरी गुड, और सोचो भद्रवा जाई में बर्फ भी पड़ी हुई है चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा। हाँ बर्फ पड़ी है चारों तरफ, बर्फ है वहाँ पे चारों तरफ, मजा आएगा। क्या बात है, तो इसके गोले खाने को मिलेगा। हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह सुबह पेट दर्द, इसको सुबह सुबह जुकाम, हम ठीक है सुबह सुबह। फिलहाल हम करेंगे सुबह सुबह आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। जम्मू से निकल चुके हम और कर रहे हैं अपनी ट्रिप की शुरुआत, जगराज शेर वाली मियादा बोल सांचे दरबार की जय। तो ये हमारा रूटीन है, जब भी हम इस रास्ते से जाते हैं तो माँ काली के मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। क्या यार हैप्पी, मेरे बाथरूम ना करा ले शोए पानी। तो हैप्पी और सौरभ भाई भी हमें ज्वाइन किया, कंपनी दे रहे हैं मुझे, ठीक है, इन्होंने भी हमारे साथ भद्रवा। हाय गाइस, ओ माय गॉड गाइस, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। हाय ब्रो, बस बस अच्छा मैं कर रहे बस। मैं वो ढूंढ रहा था सवारी, सवारी ढूंढ रहा, उधमपुर उधमपुर उधमपुर। तूने वर्दी भी वही वाली पहनी नीचे, तो अभी जस्ट हमने नासी टनल क्रॉस किया, तो हमें भैया से हम ले रहे हैं बचपन वाली अपनी एक संतरा टॉफी और इमली टॉफी, अभी ये खाएंगे। सर भद्रवा तक लिफ्ट मिलेगी, सर खोलो ना सर, भद्रवा तक लिफ्ट मिलेगी सर, आइए मैं भी निकलो बाहर, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, बाहर निकलो, मार्क से मेरा नाक खुल गया बाहर आके, बंद हो जाता है। हैप्पी प्लीज कम आउटसाइड, ओ इंग्लिश, या ओ माय गॉड कम, यस या यो, तो भी चेक पोस्ट पे रुके हम, यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में एंटर कर रहे हैं हम, एंट्री होने के बाद फिर चलेंगे हम आगे। सौरभ कल्याण, सौरभ कल्याण, ये भद्रवा, तो ये बग्गर में थे हम, और यहाँ पे हमें
डॉक्टर कनिका ने ज्वाइन किया है, जानवी की फ्रेंड। हाय, कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड। और इनकी फैमिली भी साथ में है। भैया क्या हालचाल? हाय, बढ़िया बढ़िया। आपने रोल कर लिया, मैंने उधर हैप्पी क्या रोल किया? भैया ने हमारे साथ रोल मार दिया, राजमा चावल खिलाए भैया ने, अब यही बोल सकता हूँ। चलो बढ़िया बात है। और आंटी जी, नमस्ते। आंटी कैसे हो? बढ़िया, बस ठीक हूं। मेरे सुना बकलोल टीवी देखते हो? पक्का आप भी देखते हो? फॉलो भी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मदुरई भी आती है? किसको आती है? नहीं, हमें नहीं आती है। किश्तवाड़ी? हाँ, किश्तवाड़ी। वो क्या समझ आती है आपको? किश्तवाड़ी आ जाती थोड़ी सी। हाँ, नहीं नहीं, अभी थोड़ी सी गई है। एक लाइन तो बोलो। हाँ, क्या अच्छा कर रहा है? Which is road खाने? चाय चुस्कियों, चाय चुस्कियों, चाय चुस्कियों। इनको डोगरी आती है? ओ चलो, वो तो सबको याद, मतलब सबको, आपको छोड़ के मेरे को। तो गाइस, आपने जम्मू के चंबे देखे हैं? नहीं देखे हैं? अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ऐसे जम्मू में रहता है, तीन तीन दिन मुंह नहीं धोते, पानी दे के पागल भोंतरी जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दो कराए ना, दो मेरे से गए। ये हैप्पी, ए हैप्पी। तो देखा गाइस, मैं चिट्टा हो गया ना अब। देखा मुंह भैया ने दो, ये चिट्टा मैं हो गया। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खिलानी, और यहाँ पे मेरे पापा आए हुए हैं किसी काम से, तो अभी उनको पिक करेंगे और साथ में ही चलेंगे। सबसे पहले मेरे घर जाएंगे आज हम, और शायद से शाम को वहाँ से निकले हम रिजॉर्ट में, जहाँ पे ऑलरेडी कमरे बुक है, जहाँ पे फेस्ट हो रहा है उसके नजदीक में ही। बट फिलहाल मेरे घर जाएंगे सबसे पहले, तो पापा को पिक करते हैं। क्या हाल चाल अंकल? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? ठीक हो, बढ़िया बढ़िया। सर रजत भाई, दिस इज पुल डोडा। या ब्रो, कितने सालों बाद आ रहे हो? मैं 4 सालों बाद आ रहा हूँ। ये है चिनाब मरुशलांग, मजा आएगा स्विमिंग करने का यहाँ पे। अभी तेरे को कल फेंकेंगे। नहीं कोई बात नहीं, इसको कराएंगे राफ्टिंग। तो मेरे साथ पापा भी है। ये ब्रिज का बना? पापा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या ही बोलोगे, वो भी है। तो यहाँ से हम निकलेंगे सीधा भद्रवा वाले रोड पे। ये रोड जाता है लेफ्ट होके आगे से किश्तवाड़ की तरफ, हम जाएंगे सीधा सीधा फेस्टिवल। सो दिस इज चिंता को 34 किलोमीटर। ये चिंता से होते हुए हमने जाना है जाए कल, जहाँ पे हमारा इवेंट है। बट अभी हम पहले जाएंगे किसके घर? सौरभ के घर, बिड़लाई के घर। बिड़लाई के घर, ये पूरा भाई जहाँ पे ये सारे बिड़लाई होगा घर है, ठीक है? ये यहाँ पे सो फाइनली 2:30 बजे और अपने गांव के अंदर एंटर कर रहा हूँ मैं। एंड दिस इज त्रोन भद्रवा, मेरा गांव, बताता हूँ मैं आपको। सो ये है मेरा गांव बिल्कुल टॉप पे, त्रोन भद्रवा। मेरे पापा का रेड फेवरेट है। चलो हैप्पी, कैसा लग रहा गांव मेरा? हां, कुछ है, क्या हाल है मुड़ा तेरा? ओ या है शेरा, ओ खरीगी शेर सूद खरी है, ओ है, ओ ठीक है, कोई कब्जी कुब्जी देनी? ना ना नहीं कर दी, ठीक है सर। और कितने दिन आया हूं? इतना इधर रही है थोड़ी देर, मतलब ब्याह क्या कोन घर पापा काम करो तेरा है। हां सही गल है, आए ना 2-4 दिन मिलना है चाची को, मार रही है के जाने निकल जा, तू भी 2 मिनट बाद देख लेने जा रहा। एक और तुमने करने आई है? आहो मेरे कने आई थी बड़ी शेर है, को ब्याह कराऊं मेरा। क्या है यार, मजा ही कुछ और है, मजा हवा में देखो कितना। वैसे मैं थोड़ा इल फील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं ठीक हो जाओगे, हो जाओगे, मेरी आंखों से पानी बड़ा आ रहा। कोई बात नहीं, उधर आगे कहाँ जा रहे हो? घर अपना उधर इधर सब सेम लग रहा है मेरे को। अभी मैं ड्रोन उड़ाऊंगा यहाँ से सीधा चंबा की तरफ। ठीक है ठीक है, वापस भी लेना उधर ले। हैप्पी आते ही काम शुरू कर दिए यार, तू आए ना आज थोड़ा तोल कर कपड़े कुपड़े खोल लिए। देखो
पागल हो गया करेक्टर में आ गया कंट्रोल तू कहाँ जा रहा तू घर उधर है ये कौन सा धमाल फिल्म वाला गेट सारा इधर से खुला तो ये क्यों लगाया है यहाँ से भी जा सकते हैं ये देखना ये गेट लगाया है ये देखो ये कौन सा गेट है ये गेट तो लगाया है ना जाओ जो आपको पसंद है रास्ता ठीक ठाक चलो सारे पैर बंदो आशीर्वाद तो सौरभ भैया यहाँ पे आके ना मॉर्निंग अपनी करते थे गुड मॉर्निंग मुंबई नहीं ज्यादा लटकना मत और ये सौरभ भैया का खेत यहाँ पे दादू के साथ सौरभ भैया ने पेड़ वगैरह लगाए थे अगर किसी ने ना वो पुराने ब्लॉग देखे होंगे और यहाँ पे सरयां की सरयां लगाई हुई है और फिर वहाँ पे बैठ के मैं सौरभ को स्टोरी सुनाता था वहाँ वो पगडंडी जैसी खाना खा के जाएंगे उधर टेंशन बड़ी जबरदस्त जगह वो दो गब्बे चल रहे हैं और जहाँ वो दो पिटे चल रही हैं खुफिया दरवाजा खुफिया 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 दरवाजा देख दरवाजा और ये सौरभ भी और सारा डंगरों का जो खजाना है वो सारा ना ये इधर इस गाइस ये सौरभ भैया का पूरा घर हेरा फेरी की तरह लग रहा है मुझे एक को बंद करो दूसरे अभी से नीचे अरे नीचे ले चलता हूं तेरे को चल आ जा नीचे सही जगह यार आओ नीचे मैंने सोचा था मैं तरक्की करूंगा मेहनत करूंगा और जिंदगी में ऊपर बढ़ूंगा आप मेरे को नीचे लेके जा रहे हो तो बैग ध्यान से लाना तो सौरभ भैया ये किसका फोटो है ये है तो सौरभ है परदादू जी परदादू ये है तो सौरभ यहाँ है ये सौरभ भैया के परदादू जी है परदादू जी पैर पे नीचे गाय वगैरह भाई चाहता क्या है तू कितना कुछ छुपा के रखा है वो वाला कमरा मेरा फेवरेट नहीं और उसमें ताला है चाबी कहाँ है चाबी कहाँ है और यहाँ पे ये देखो ऐसे ना थोड़ा पक्का पक्का रोड बना हुआ है यहाँ से नीचे हमारी रियासी भी कुछ ऐसी तरह है मतलब मुझे पूरी ऐसे रियासी वाली वाइब आ रही है यहाँ पे पूरी लेकिन एक फर्क है तो गाइस अभी ना हम सौरभ भैया के घर पे आ गए हैं अंदर बैठे ना अभी और हमें ना सबसे सही चीज अभी हमें एक चीज पता चली है वो है ये ना 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 सौरभ भाई का निकनेम क्या है पता ऐसे ही था क्या नाम है नितन 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 क्या नाम है नितन क्या नाम है नितन 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 तन तन कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट करो सारे नितन तो गाइस अभी नितन ब्रो हमारे लिए ना कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं नीचे कमेंट कर दो हमारे नितन भाई बड़ा तारीफ है यार आई लव नितन ब्रो नितन तू भी मिले ना कल का कैप्शन यही होगा नितन इन द हाउस नितन ब्रो आप भी लोगे नहीं यार सर्दी हो गई है ना बात से कह रहा हूं मुंह भेज वरना इनके घर ही उधर हेल्प करानी तुमने ओके हेल्प करानी ले खड़ू चला अरे हेल्प करानी दिक्कत हो गया ये नहीं हेल्प तो मैं भी कराऊंगा आंटी रोहन की करानी हेल्प ताऊ पांडे बच्चे ले पांडे बाजे तू जहाज काम बता काले बगाने को ले ब्याह कराना दे पानी लेके जाऊंगी ना चल ले यार आंटी के साथ कर नहीं आंटी मैं लेके जाऊंगी तो गाइस और यहाँ पे पानी वगैरह रख दिया और कोल्ड ड्रिंक हमने पी लिया थोड़ी सी और अभी पानी रख दिया चटाई बिछा दी हमने और यहाँ पे ये देखो जानवी वाकई यार जानवी कर रही है काम ठीक है जानवी काम करेगी तो ठीक होगी तो यहाँ पे सौरभ के मम्मा खाना डाल रहे हैं
हमारे साथ दो हमने ना काम करने के लिए प्रोफेशनल बंदे लाए हुए हैं। हाँ चावल की खुशबू कितनी सही आ रही है, नहीं आ रही है साथ में साग की। मम्मी क्या खिला रहे हो मेरे दोस्तों को आज? रोटी है। क्या खिला रहे हो? खाना खाना खिला रहे हैं। खाना तो ठीक है पर क्या खिला रहे हो? राजमा चावल घर के साग। क्या बात है जानी थोड़ी क्या कर रही है यार? करा रही हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात है। मेरे घर वाले देखेंगे खुश हो जाएंगे। वाकई घर पे तो काम करती नहीं। लास्ट पांडे पांडे और खुश हुई है। मिट्टी लाके ठीक है। हां मैं तो मिट्टी लगाना दीवार पे। सही बात है। मिट्टी गोबर भी है बाद में ना। मुझे अच्छा लगता है। हैं गोवा मतलब ऐसे कुछ ले चलते हैं। अच्छा लिपि तो करने तैयारी ला आपने इधर ही कर रही है चुकरी जीरा पर के दो जाके पाँच चलो। तो ये हमारे घर के अपने खेतों के देसी राजमा है और ये घर के अपने खेतों के सरसों का साग है, घर का कड़म का अचार है और ये कुंडिया ये जंगल में पाई जाती है, मतलब स्पेशल सब्जी है भदरवा की। अच्छा। ये भी खाओ और ये अपनी अनारदाने की चटनी है। हाँ फन नहीं बनाते पे दिल्ली में हो जाएगी जंगली नहीं वो इधर बनती है। मैं सोचा कि राजमा खेतों में नहीं, 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 साग खेतों में वो जंगल पे बनता घर पे। तो शाम के 5:30 बजे हमें लग रही थी ठंड। मम्मी को बोला कि बुखारी जला ले यार, तो आग जला रही मम्मी। मम्मी शर्मा भी रहे हैं। इसको कैसे डालूं डायरेक्ट? बाप रे अपना घर से को लग रहे हैं। हां तेरा गेट नन ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਤੀ ਬਾਲ ਨੀ ਬਾਤ ਰਜਿਤ ਭਾਈ ਉਠੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਠੋ 6:30 ਵਜ ਗਏ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੇ ਜਾਣਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਕੰਬਲ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਕੰਬਲ ਉਠੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਯਾਰ ਅਬੇ ਸੋਨਾ ਨੀ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਗਾੜੀ ਮੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਠ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਉਠ ਉੱਠ ਯਾਰ ਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਯਾਰ बाय ठीक है जी ठीक है। अभी हम मिलके जाएंगे। ठीक उम्मीद छोटी दादी है। हाँ छोटी दादी नमस्ते दादी कैसे हो? चल ठीक है आउट ले दी हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाठा वासुकी नाग जी का प्राचीन मंदिर। 2000 साल पुरानी मूर्ति है जहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय वासुकी नाग महाराज जय वासुकी नाग महाराज। पेड़ देख कितने पुराने हैं मोटा देखो कितना पेड़ है। ये कहां से लाटू आया? बड़ी टॉर्चर टूर्चर लेके आया। लाटू शाटू कुछ ले आया था। हाँ सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर रिजॉर्ट में। और मुद्दे की बात बताऊं मैं आपको जानवी बर्फ टूट भी नहीं मारना मत। ओ ठंड है मारना मत अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं सवेरे खेलेंगे नहीं कर। उधर लगा दो ना। भाई हाँ जी भाई क्या हाल चाल कैसे हो? बढ़िया ठीक ठाक। शबीर सौरभ ए रजत भाई सुबह इस बर्फ में नहाएंगे ठीक है? ठीक है गोला बना के खिलाऊंगा तुझे। रूह अफ़ज़ा है। वाह यार मतलब होटल के चारों तरफ बर्फ है और हम अभी एंटर करने जा रहे हैं। मैंने सोचा आई क्या बात है चलो चले मितवा हैप्पी को तो सुनता है। हैप्पी बीच सलाम करें सलाम करें तुझे इधर बीच नहीं मैं बड़ी प्राप्ति है। हेलो गाइस कैसे हो? रूम देखोगे रूम हमारा वाला यहाँ से यार सुबह जो नजारा देखेंगे ना व्यू ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे आपको बहुत ही तगड़े वाले। नीचे बर्फ भी है मजा आ गया। और मैं हूं और हमारा रूम नंबर है 305 दसाज रिजॉर्ट का
और बहुत ही बढ़िया रजत भाई यार, वाइब है यार। मतलब यहाँ पे मतलब बेड तो नरम है, नीचे फर्श भी बड़ा नरम है। कसम से आपने ब्लॉग नहीं देखे, रूम टूर कैसे थे? वेलकम टू माय रूम गाइस। तो गाइस अभी मैं आपको रूम टूर दे, तो गाइस अभी ना मैं आपको रूम टूर देता हूँ। ए सौरभ भैया सस्ते ब्लॉगर है। रूम टूर आते हैं, अंदर आते हैं, आपने यहाँ राइट साइड देखो, यहाँ पे मिरर लगा है, सेल्फी ये ऐसे। अबे वो छोड़, एलईडी देख कितनी बड़ी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी एलईडी है, मतलब सोच लो कि अगर आप शादी के बाद यहाँ पे आते हो, अपनी शादी की एलईडी लेके आओ और यहाँ पे देख सकते हो, मजे ले सकते हो। और यहाँ पे अलमीरा वगैरह है, अगर कपड़े लाए हैं तो इसमें रख सकते हो, वरना अपने बैग तो लाए होते हैं उसमें भी रख सकते हो। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत हमारा सोफा, कितना प्यारा रूम है, पूरा सॉफ्ट है, ठीक है, वो बाद में चेक करेंगे। और साइड पे यहाँ पे दो सोफे लगे हुए हैं, और ये हमारे भैया जिनका ये सारा आलीशान होटल वगैरह है, शबीर भैया, और ये यहाँ पे भी एक सोफा सेट लगा हुआ है। और यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड, पर्दे पीछे करो, और यहाँ पे देख लेंगे सलभ ब्रो, पर्दे के पीछे कौन है? सलभ वीर। और यहाँ पे एक सिंगल रूम है, जैसे सलभ भैया यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, मतलब बच्चों को इधर सुला सकते हैं, भाई को इधर सुला रहे हैं। हाँ, बस दूध गर्म करने को दिया, वो हमने जैसे ही बटल आएगी तो यार छोड़ देंगे। और यहाँ पे ठीक होते हैं, पर बाथरूम, ओ माय गॉड, बढ़िया, नॉट बैड, ओहो नीट एंड क्लीन, बढ़िया। वाह विशन इतना प्यारा, सौरभ भैया वाह, नहा लो पागल तू, नहा लो चलो। तो बाकी है शबीर जी से मिल लेते हैं हम। शबीर जी आज हमारी खातिरदारी वगैरह कर रहे हैं, और साज वाली के लिए बैठे हैं बिल्कुल, और मतलब सही है यार, ऊपर से यहाँ पे बर्फ अभी भी है, भद्रवाह में कहीं और रिजॉर्ट में मतलब बर्फ नहीं दिखी मुझे, इधर ही है, आपको यही मिलेगी, क्या बात है। तो आप भी आ सकते हो यार द साज वैली रिजॉर्ट, हम तो आ चुके हैं, बर्फ देखो, बर्फ सुबह चेकआउट कराएंगे, ड्रोन के शॉट्स भी चेकआउट कराएंगे आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। लोकेशन कहाँ पे? ये नाल्टी, नाल्टी, नाल्टी कहाँ जैसे? नाल्टी बस स्टार्टिंग नाल्टी में ही है, स्टार्टिंग नाल्टी हो तो साज वैली आपको बड़ी बड़ी दिख जाएगी, गूगल से देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हो, बाकी आपको सुबह नजारे दिखाएंगे। और 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 फिर डिनर कर रहे हैं, डिनर करके चलो, डिनर करेंगे फिर।